Look at this smartphone, छोटा सा और इसमें बहुत मजबूत टकाटक। ये मक्खन घर पे बना। हाँ, ये होना बात। Hey guys, what's up? Welcome back to Delhi Dalta Hoon. क्योंकि तो मेरा काम है तो today is very special day. Like I'm going to get something. मुझे बहुत सारी shopping करनी है। अभी मैं जा रहा हूँ इटारसी, ठीक है? इटारसी से मुझे लेना है एक बैग, ट्रॉली बैग बड़ा सा, क्योंकि अभी पुराना वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सही नहीं चल रहा है। तो मुझे एक बैग लेना है, देन मुझे फ़ोन की केबल लेनी है, वो लेना है, और देखते हैं अगर कुछ और भी मिला एक्सप्लोर करने को तो विल डू इट डेफिनेटली, ठीक है। तो चलो चलते हैं इटारसी फटाफट और करवाते हैं आपको एक्सप्लोर। चलो, ये है बैग मार्केट। देखते हैं, ट्रॉली बैग तो लेना है एक छोटा वाला, एक है उससे काम नहीं बन रहा है अभी। कितना? 3300 का पड़ गए, 3300 सॉरी 28 है ना ये, 28। ये देखो, मैं आपको सीधे बताऊं 28 को कैलकुलेट कैसे करा। हाँ हाँ, जो 20 इंच आता है, यानी जो जो बीजी देख रही है, ये 55, इससे बड़ा 65, उससे बड़ा आता 75, और ये 75 में भी डबल एक्सल साइज 77, ये ओवर साइज, एल एक्सल, ये एक्सल साइज, यानी 75 से भी। कितना केजी तक इसमें रख सकते हैं? इसमें लगभग ना मेरे अंदाज से वजन क्या रखना है, कपड़े का वजन कितना हो, ज्यादा 10-12 किलो, उससे ज्यादा तो ना भर पाओगे भाई। कपड़े का एक पैंट का वजन कितना, भाई 1 kg, 1.5 kg, मिनिमम 14 किलो तो रखते हैं। फ्लाइट में भी 14-15 किलो तक अलाउ है। दिस इज सोनिक, विद डिस्काउंट ही पड़ेगा 3300। हमने देखा है एनगेज एंड सोनिक, बाकी अगर चूज करेंगे तो फिर ये एनगेज काफ़ी अच्छा है। लाइक MRP 30,766 और ये हमको पड़ा है 3,000 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ। और क्योंकि इतना डैमेज होता है ना ट्रैवलिंग में, तो हमने इसमें ऐड किया है, कवर भी ऐड किया है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव। सही है, बहुत मजबूत टकाटक। सो गाइज, बैग ले लिया मैंने सफारी का, और उसकी MRP थी कुछ 30,600 अराउंड, और वो मेरे को मिल गया विद डिस्काउंट 3,000 में, बहुत ही सस्ता मिल गया यार। वैसे ऑनलाइन भी इसके प्राइस कुछ ज़्यादा है, पर और सबसे अच्छी बात है, लोगों को क्या लगता है कि शोरूम से खरीदो तो ही अच्छा मिलता है। ब्रो, इसमें भी सेम है, 5 ईयर वारंटी, इंटरनेशनल, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये है, इसलिए मैंने लोकल शॉप से लिया, सेम चीज़ मुझे वारंटी मिली, सब कुछ मस्त है। तो ठीक है गाइज, और एक और है अभी मोबाइल शॉप है, वहाँ से भी मुझे कुछ लेना है, तो चलते हैं, एक जुड़वा भाई करके शॉप है, वहाँ पर चलते हैं फटाफट। चलो फिर निकलते हैं। भैया ये फ़ोन कैसा, क्या है इसका बताइए। इसका भैया कैसा है, इसमें आपका डुअल सिम रहेगा, है ना, इसमें जियो सिम सपोर्टेबल नहीं है, बाकी आप BSNL लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, एयरटेल लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद इसमें 2 सिम लगेगी, एक मेमोरी कार्ड लगेगा, है ना, और इसके बाद इसमें डाटा केबल आएगी, आपको चार्जर केबल आएगी, और उसके बाद पीछे से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अपन ओपन कर दिया, इसकी एक नैनो बैटरी आएगी, है ना, और ये पीस आएगा, 2 सिम लगेगी नैनो वाली, इसके ऊपर एक मेमोरी कार्ड लगता है। नाइस नाइस। और इसकी बैटरी कितनी चलती है? बैटरी भी ऐसा है, दिन भर चल जाती है आराम से, 1 दिन का बैकअप रहेगा इसमें। आप इसमें साइलेंट वगैरह कर सकते हैं, किंग वॉइस आएगा इसके अंदर, आपको नंबर बोल के बताएगा। क्योंकि दिस स्मार्टफोन छोटा सा, और इसमें एक फ़ोन वो भी है ना आपके पास, हाँ ये वाला, ये ब्लूटूथ भी बन जाता है, ये सही है जी। ये इसका बैटरी ये ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिम का है, ये सिंगल सिम है ना। और ये कितने का है? ये वाला भी 1000 का, ये सेम 1000, और ये भी 1000 का है। मॉडल 3 है, और इसकी कुछ वारंटी वगैरह होती है? वारंटी नहीं आती है, हालांकि इंडियन प्रोडक्ट है, HODA का नाम से चलता है, बहुत पुरानी कंपनी है। सही है,
इसका ठीक है। तो ये है इटारसी में जुड़वा ब्रदर्स की शॉप, और यहाँ पे एरिया का नाम क्या है शॉप का? पोस्ट ऑफिस रोड, राजमल्टी। पोस्ट ऑफिस राजमल्टी, जुड़वा ब्रदर्स। किसी से भी पूछोगे जुड़वा ब्रदर्स बता देंगे आपको। और ये इतने सारे गैजेट मिलते हैं यहाँ पे। तो गाइस वैसे फ़ोन की शॉप से मुझे केबल लेनी थी, वो तो मैंने ले ली, और आप लोग को फ़ोन भी दिखाया, वो कितना मस्त फ़ोन है। अगर आप लोग को चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, वो छोटा सा फ़ोन, ठीक है, फ़ोन का नाम ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फ़ोन है, ठीक है। सो अगर आप लोग को चाहिए तो जुड़वा भाई की शॉप है, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं, मस्त है। और अब चलते हैं यार, थोड़ी गर्मी हो गई है, तो देखते हैं कहीं कुछ ठंडा पीने, लस्सी वस्सी पीने या कुछ करने। चलो फिर, ये हुई ना स्पेशल लस्सी। अंकल जी इसमें क्या क्या ऐड करते हो? शक्कर के अलावा कुछ और भी ऐड करते हो क्या? हाँ जी स्पेशल। और ये कितने रुपए ग्लास है? 35। और आप ये मक्खन घर पे बनाते हो क्या? हाँ यही मतलब। ये दिखा सकते हो एक मिनट? ये होना बाकी, ये सही मक्खन है। हाँ तो आप ये घर पे बना लेते हो सब? सही है। और एक दिन में कितना ग्लास चला जाता है? ये तो अपन मतलब नहीं मतलब सही है। फिर भी ये पूरा सब फिनिश हो जाता होगा। और ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये तो हमारे बाप दादा से चला रहे एकदम 40-50 साल से। सही है जी। और शुरू से यहीं पे शॉप आपकी की कहीं और भी थी? यहीं पे। सही है जी। बहुत स्पेशल लस्सी बनाते हो आप, नहीं तो आजकल ना वो ग्लास भर के रख रही थी फ्रिज में, ये वाली सही है। ये स्पेशल लस्सी गाइस आपको मिलेगी इटारसी में जस्तम चौक पे, ये चौक है, और यहाँ पे आओगे तो ये अंकल है, बहुत ही मस्त लस्सी बनाते हैं, देखो ये स्टाइल में। वाह वाह वाह, ये हो ना बात, ये आ गया मक्खन जी ऊपर। ये चम्मच लगेगी? दे दीजिए चम्मच। ये आ गई जी अपनी स्पेशल लस्सी मक्खन वाली, टॉप अप विद मक्खन, लॉट्स ऑफ मक्खन मक्खन अच्छी लस्सी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई, इसमें इतना सारा मक्खन हो, इतनी मस्त है। अंकल ने बहुत देर तक उसको ऐसा फेंटते रहे, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बेस्ट लस्सी विद लॉट्स ऑफ मक्खन ओनली इन 35। ये हो गई मेरी दूसरी लस्सी, इतनी प्यारी लस्सी कि मैं दूसरी ग्लास पी रहा हूँ। तो गाइस लस्सी पी ली है, दो दो पेट भर गया है पूरा, अब घर जाने की बारी, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है 5 o'clock, अभी फटाफट निकलना है मुझे, ठीक है। लस्सी पी ली, मज़े कर लिए, तो बाकी पूरा आज का पूरा डे अच्छा था। मैंने बैग ले लिया और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, मैंने समोसे खाए बहुत प्यारे वाले, वो भी मैं बता दूँगा कहाँ से, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस टुडे।